क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह को एक तूफानी खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, युवराज सिंह ने टी10 लीग में समाप्त कर लिया है अपना तीसरा और भयंकर मुकाबला। दोस्तों, आपको बता दूं, मुकाबला मराठा अरेबियंस बनाम बांग्ला टाइगर्स के बीच में था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, इस मुकाबले में युवराज सिंह की धाकड़ बल्लेबाजी का जलवा फिर से नजर आया। जहां इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्ला टाइगर्स ने 106 रन बनाए थे, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मराठा अरेबियंस की टीम। दोस्तों आपको बता दूं, मराठा अरेबियंस की तरफ से युवराज सिंह ने 23 रनों की शानदार पारी खेली, वो भी सिर्फ 12 गेंदों में, जिसमें से युवराज सिंह ने 2 करारे छक्के जड़े थे, उसके साथ एक चौका भी लगाया था। दोस्तों आपको मात्र 12 गेंदों में ही 23 रन ठोककर आखिरी के ओवर में इसमें विजय बनाया मराठा अरेबियंस को युवराज सिंह ने। दोस्तों आपको बता दूं, मुकाबले में अंत में आए थे युवराज सिंह बल्लेबाजी करने के लिए, जहां मराठा अरेबियंस काफी मुश्किल परिस्थिति में थी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, मात्र 12 गेंदे ही खेलकर 23 रन जड़कर युवराज सिंह ने मराठा अरेबियंस को इस मुकाबले में शानदार जीत दिलाई। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, इस मुकाबले में फिर से युवराज सिंह नंबर 4 पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, जैसे कि वो पहले के समय में आते थे बल्लेबाजी करने के लिए। और इस मुकाबले में आते ही युवराज सिंह ने अपनी शैतानी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया, जहां उन्होंने आते ही 2 करारे छक्के और 1 तूफानी चौका जड़ा था। साथ ही साथ इस मुकाबले में 23 रन पर नाबाक गए तो युवराज सिंह मराठा अरेबियंस को एक शानदार जीत दिलाकर। दोस्तों आपको बता दूं, युवराज सिंह 2 मैचों से बैठे हुए थे मराठा अरेबियंस की टीम से, क्योंकि उनकी कुछ हालत खराब थी, लेकिन इस मुकाबले में युवराज सिंह ने वापसी करते हुए धाकड़ प्रदर्शन दिया। दोस्तों आपको युवराज सिंह की ये शानदार पारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद हो तो दिल से लाइक करें और ऐसी क्रिएट किया।